इसी के साथ में हम लोग डिमांड इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन अर्थात स्थानापन्नता की मांग लोच को भी देख लेते हैं। इसको बहुत ध्यान से समझने की आवश्यकता है। दो वस्तुओं एक्स और वाई के अनुपातों में आनुपातिक परिवर्तन का, उनके कीमत अनुपात के आनुपातिक परिवर्तन का अनुपात स्थानापन्नता की मांग लोच है। इसको हम लिख सकते हैं कि ES बराबर X और Y के अनुपात में आनुपातिक परिवर्तन, X और Y के अनुपात में आनुपातिक परिवर्तन बटे उनकी कीमतों के अनुपात में आनुपातिक परिवर्तन। आप देख रहे हैं थोड़ा उससे भिन्न है। क्या है, अब इसको लिखेंगे जब हम, तो ES बराबर करेंगे डेल्टा X बटे वाई, डेल्टा X बटे वाई बटे एक्स वाई, फिर बटे लगाएंगे डेल्टा पी एक्स बटे पी वाई बटे पी एक्स बटे पी वाई। मतलब क्या है, इतने का ये मतलब है कि जो एक्स और वाई का अनुपात है उसमें कितना आनुपातिक परिवर्तन हो रहा है, और ये है कि उनकी कीमतों के अनुपात में कितना आनुपातिक परिवर्तन है। जो बात ऊपर लिखी है उसी को यहाँ पर लिखा गया है। जहाँ एक्स बटे वाई दो वस्तुओं एक्स और वाई के अनुपात को डेल्टा एक्स बटे वाई, डेल्टा एक्स बटे वाई इन एक्स और वाई के अनुपात में परिवर्तन को दिखाता है, पी एक्स बटे पी वाई इन एक्स और वाई के कीमत अनुपात को, और डेल्टा पी एक्स और डेल्टा पी एक्स बटे पी वाई उनके कीमत अनुपातों के परिवर्तन को व्यक्त करते हैं। अब हम देखते हैं कि इकाई के बराबर स्थानापन्नता लोच, इकाई से अधिक आदि हम देखेंगे। इकाई के बराबर स्थानापन्नता लोच, जब एक्स और वाई की मांग के अनुपातों का आनुपातिक परिवर्तन एक्स और वाई के कीमत अनुपातों के आनुपातिक परिवर्तन के ठीक बराबर हो, जब ES बराबर हो तब क्या होगा, इकाई के बराबर पर बराबर स्थानापन्नता लोच। अब इसको कैसे समझें, मान लीजिए एक्स और वाई की मूल कीमतें 10 और 12 रुपये हैं, मतलब एक्स की मूल कीमत है 10 रुपये और वाई की है 12, जिन पर क्रमशः 4 और 6 इकाइयों की मांग की जाती है। यदि एक्स की कीमत 8 रुपये हो जाए और वाई की कीमत उतनी ही रहे, एक्स की कीमत 8 रुपये हो जाए, पहले कितनी थी, एक्स की कीमत 10 रुपये थी, वाई की कीमत 12 रुपये, तो अब क्या हुआ, एक्स की कीमत 8 रुपये हो जाए और वाई की कीमत उतनी ही रहे, तो एक्स की मांग बढ़कर 8 इकाई और वाई की 10 इकाई हो जाती है, वाई की 10 इकाई हो जाती है। तो इस प्रकार हम इसको इस तरीके से लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, एक्स बटे वाई, एक्स बटे वाई क्या है, यह है 4/6, कैसे, एक्स की 4 इकाइयाँ वाई की 6 इकाइयाँ। अब जब हमको निकालना हो डेल्टा एक्स बटे वाई, माने परिवर्तन एक्स बटे वाई में कितना परिवर्तन हुआ, एक्स बटे वाई में कितना परिवर्तन हुआ, तो एक्स की
नई जो मांग है वो है 8 और वाई की है 10। एक्स की नई मांग है 8, वाई की है 10। एक्स की पुरानी मांग है 4 और वाई की पुरानी मांग है 6। तो 8/10 से 4/6 हम घटा देंगे। जब घटा देंगे लघुत्तम लेके हल करेंगे तो 2/15 आ जाएगा। तो डेल्टा एक्स बटे वाई, इसका मतलब हुआ 2/15। डेल्टा एक्स बटे वाई कितना निकला? 2/15। एक्स बटे वाई कितना है? 4/6। अब इसलिए हम क्या करेंगे, डेल्टा एक्स बटे वाई बटे एक्स बटे वाई ये जब निकालेंगे तो 2/15, ये 2/15 और बटे ये 4/6, 4/6। तो डेल्टा एक्स बटे वाई बटे एक्स बटे वाई, इसका मतलब ये हो गया। अब अगला देखते हैं कि पी एक्स है 10, जो मूल कीमत है एक्स की वो है 10, वाई की मूल कीमत है 12, और जो परिवर्तन हुआ है, जब हम पी एक्स और पी वाई में परिवर्तन निकालें तो नई कीमत एक्स की हुई है 8, क्योंकि इसकी कीमत घटी थी, और वाई की कीमत उतनी ही रही थी, 12 ही है। तो नई कीमत ये है 8/12 दोनों की, माइनस पुरानी कीमत, तो 10/12। इसको जब हम हल करेंगे तो माइनस माइनस 2/12 आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? ये 12 ये नीचे रहेगा और 8 से 10 जाएंगे तो माइनस के 2। अब ये आ गया माइनस 2/12, क्या है? डेल्टा पी एक्स बटे पी वाई, और पी एक्स बटे पी वाई है 10/12। अब जब हम डेल्टा पी एक्स बटे पी वाई बटे पी एक्स बटे पी वाई करेंगे तो माइनस 2/12, ये जो परिवर्तन वाला निकला है वो बटे मूल 10/12, तो माइनस 2/12 बटे 10/12। ध्यान रखना, ये जो है क्या निकला है, जो कीमतों के अनुपात में आनुपातिक परिवर्तन है ये है। अब जो प्रॉपर्टी आई हैं, उन प्रॉपर्टी के आधार पर जब हम सब्स्टिट्यूशन इलास्टिसिटी निकालेंगे, तो आपको याद होगा कि सूत्र हम बोले थे पीछे कि डेल्टा एक्स बटे वाई बटे एक्स बटे वाई, उसका मतलब ये है, और बटे में किया था, बटे की जगह पर इसके नीचे बड़ा हम बटे लगाते, उसकी जगह पर यहाँ भागित का निशान लगा रहे हैं। तो इसके नीचे क्या है, डेल्टा पी एक्स बटे पी वाई बटे पी एक्स बटे पी वाई, वो ये है। अब इस पूरे से जब हम भाग देंगे तो या तो इसको ऐसे लिखो 2/15, 2/15 बटे 4/6 बटे माइनस 2/12 बटे 10/12, ऐसे लिखो, या इस तरीके से। इस तरीके से जब हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बाद में, 2/15 ये संख्या गुणा 6/4, ये उल्टा हो जाएगा। इसको भी वैसे कर लेंगे, 2/12 गुणा 12/10, यहाँ माइनस हम लगा सकते हैं माइनस। अब इसको हल कर दो, चाहे ऐसे काट दो, 2 से 2 दूनी 4, 2 3 6, 3 से 5, 3 से 15 कट गया तो 3/15, 1/5 इधर आ गया, इसे ये काट देंगे तो 1/5 इधर का मतलब आ गया 1/5, और इधर हो जाएगा 2 5 10 5, और 5 12 12 5 60, और ऊपर 12 12 1 12, 12 5 60, माइनस 1/5, माफ़ कीजिएगा 1/5 होगा, लेकिन जब विपरीत में, जब अभी भाग में है, जब और हल करेंगे तो गुणा में पहुंच जाएगा वो,
तो गुणा में जाने, जब गुणा में ले जाएंगे तो नीचे वाली संख्या ऊपर पहुंच जाएगी, तो -5/1, 1/5 गुणा -5/1, तो सेम हो गया, तो काट देंगे तो -1 आ जाएगा। तो सरलता के लिए हम ऋण के चिन्ह को छोड़ देते हैं। अब इसमें गुणक का मूल इकाई के बराबर है। जब दो वस्तुओं एक्स और वाई की स्थानापन्नता की इकाई लोच को प्रकट करता है, तब ये इकाई के बराबर होता है। अब इकाई से अधिक भी स्थानापन्नता लोच होती है। अब आप तरीका समझ गए हैं कि किस तरीके से निकलती है। इकाई से कम भी होती है, शून्य स्थानापन्नता लोच आ सकती है और अनंत स्थानापन्नता लोच। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक समाप्त हुआ। अब हम लोग अगले दिन उत्पादन फलन में प्रवेश करेंगे। धन्यवाद।